हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राकेश परमार और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशनल कोऑपरेशन पर। आज हम बात करेंगे बायोलॉजी के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि है सेल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इस चैप्टर में हम देखेंगे सेल का क्या फंक्शन होते हैं और कैसा स्ट्रक्चर होता है। तो कुछ इसके की पॉइंट्स देखते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं इसके आंसर क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं। नंबर वन, द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेल्युलर एंड इफ द ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन और मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। अगर ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें एक ही सेल से बना हुआ है, यानी कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, तो उसको हम बोलेंगे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। और अगर सेल के नंबर्स वहाँ पे एक से ज़्यादा है, यानी कि दो या दो से भी ज़्यादा है, तो उसको हम बोलेंगे मल्टी सेल्युलर। यूनिसेल्युलर का एग्जाम्पल हो जाएगा अमीबा, वही मल्टी सेल्युलर का एग्जाम्पल हो जाएगा ह्यूमन बींग्स। सेकेंड है, द सिंपल माइक्रोस्कोप वॉज डेवलप्ड बाय एंटोनी वॉन लुईनहॉक। जो सिंपल माइक्रोस्कोप है उसको डेवलप किया था एंटोनी वॉन लुईनहॉक ने। थर्ड पॉइंट है, द कंपाउंड माइक्रोस्कोप वॉज डेवलप्ड बाय रॉबर्ट हुक। सिंपल माइक्रोस्कोप को एंटोनी वॉन लुईनहॉक ने किया था, वही कंपाउंड माइक्रोस्कोप को रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। फोर्थ पॉइंट है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। साइंस की ऐसी ब्रांच या बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं सेल्स की, उसको हम बोलते हैं साइटोलॉजी। नेक्स्ट है, द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। जो सेल के अंदर लिविंग सब्सटेंस होता है उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। अब एग्जांपल हम देख लेते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के, फिर देखेंगे हम मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के। तो यूनिसेल्युलर के फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, अमीबा, यीस्ट और क्लामोडोमेनस। अब बात करते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल की। तो प्लांट लाइक रोज, नीम, एनिमल लाइक मैन, हाइड्रा, ये सब एग्जांपल हो जाएंगे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के। इस रेगुलर सरफेस होती है अमीबा की, ओवल शेप में होती है क्लाइमोडोमेनस की, या स्लीपर ऑर्गेनिज्म होता है ये। ओवलेंग होता है पैरामीशियम, एलोंगेटेड होता है मसल सेल, और वेरी लॉन्ग या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है फाइबर सेल का। वही क्यूबिकल या रेक्टेंगुलर होती है प्लांट सेल। सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो है बैक्टीरियल सेल है, और लॉन्गेस्ट सेल जो है वो है नर्व सेल। और अगर बात करें लार्जेस्ट की, सबसे बड़ी जो सेल है, तो वो है ऑस्ट्रिच एग। अब हम बात करते हैं सेल थ्योरी एक्सप्लेन को। सेल थ्योरी क्या है उसको समझते हैं। तो पहला पॉइंट, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ वन और मैनी सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, या तो वो एक या एक से ज्यादा सेल से बने हुए हैं। सेकेंड है, द स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सेल। जो स्ट्रक्चर यूनिट है या बेसिक जो बेसिक यूनिट है लिविंग बींग्स की, वो है सेल। नेक्स्ट है, द फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द सेल। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी फंक्शन होते हैं वो भी सेल की हेल्प से होते हैं। नेक्स्ट है, ऑल सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितनी भी सेल बनी है वो कंटिन्यूसली ब्रेक होती है और मैन्युफैक्चर होती रहती है। नेक्स्ट है, द थ्री साइंटिस्ट हु कंट्रीब्यूट इन द सेल थ्योरी आर। जो सेल थ्योरी है उसको तीन साइंटिस्ट ने दिया था। तो उनमें कौन कौन से थे, तो उनको देख लेते हैं। एमजे सेल्डन, दूसरा है टोडर स्वान, और थर्ड है रोडोल्फ वर्चो। अब आगे देखते हैं, एनिमल सेल हैव नो सेल वॉल। जो एनिमल सेल होते हैं उनके अंदर सेल वॉल नहीं रहता है। द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोस विच इज रिजिड एंड गिव शेप टू द सेल। जो सेल वॉल होता है वो सेल्यूलोस का मिलकर बना हुआ होता है, और ये एक तरीके से सेल को शेप देता है। नेक्स्ट है, द सेल वॉल इज फ्रीली परमिएबल व्हाइल द सेल मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल। जो सेल वॉल है वो फ्रीली परमिएबल है, यानी कि इसके अंदर कुछ भी इंटर कर सकता है। वहीं जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेमी परमिएबल है, यानी कि इसमें कुछ सिलेक्टेड चीज़ें ही अंदर जाती है। अब आगे देखते हैं, द सपोर्टिव फ्रेमवर्क विच हेल्प इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस प्रोडक्ट अक्रॉस द सेल इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सपोर्टिव फ्रेमवर्क जो हेल्प करती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस प्रोडक्ट, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर या प्लांट बॉडी के अंदर जो सपोर्ट करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस प्रोडक्ट में, उसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो दो तरह के होते हैं, लेफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पावर हाउस ऑफ द सेल होता है माइटोकॉन्ड्रिया, और प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है राइबोसोम। नेक्स्ट है, द ऑर्गेनल फाउंड ओनली इन द एनिमल सेल विच इनिशिएट एंड रेगुलेट सेल डिवीजन इज सेंट्रोसोम। ऑर्गेनल फाउंड रहता है एनिमल में जो सेल डिवीजन में हेल्प करता है, तो वो होता है सेंट्रोसोम। द ऑर्गेनल फाउंड ओनली इन द प्लांट सेल इज प्लास्टिड।
एक ऑर्गेनल प्लांट में भी प्रेजेंट रहता है जिसको हम बोलते हैं प्लास्टिड। क्लीन प्लास्टिड जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट होता है और बाकी के जो प्लास्टिड होते हैं वो होते हैं एमाइलोप्लास्ट। अब आगे देखते हैं, सेल ऑर्गेनल आर कंसर्न विद स्पेसिफिक फंक्शन। जितने भी सेल ऑर्गेनल है उनके अलग अलग फंक्शन है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ सेल डिवीजन दिए उनको देख लेते हैं। तो सेल डिवीजन की इंपॉर्टेंस क्या है, तो प्रोडक्शन ऑफ न्यू सेल। अगर सेल डिवीजन नहीं होगा तो न्यू सेल का प्रोडक्शन नहीं होगा, सेल डिवीजन की वजह से ही प्रोडक्शन ऑफ न्यू सेल होता है। सेकेंड है फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर, रिपेयरिंग और ग्रोथ होती है हमारी। थर्ड रिप्लेसमेंट ऑफ द डेड एंड बॉम आउट सेल, जो डेड सेल है वो उनके जगह पे नए सेल आ जाते हैं तो उनको रिप्लेस कर देती है। और फोर्थ हो जाएगा फोर्थ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में भी सेल डिवीजन ही हेल्पफुल है। अब आगे देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन की ऐसी प्रोसेस जिसमें स्पर्म एंड एग फॉर्म होता है वो होते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट फॉर्म में आता है जायगोट। अब आगे देखते हैं इसके आंसर क्वेश्चन को। तो सबसे पहले इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, आइडेंटिफाई द पार्ट विच कंटेन्स पिगमेंट। तो पिगमेंट कहाँ पर होता है, प्लास्टिड। दो तरह के होते हैं, ग्रीन कलर यानी कि क्लोरोप्लास्ट और एक होता है प्लास्टिड एमाइलोप्लास्ट। सेकेंड है, द ऑर्गेनल दैट कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज इन, ऐसा ऑर्गेनल जो हर एक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है तो वो होता है न्यूक्लियस। थर्ड क्वेश्चन है, अ सेल दैट इज स्फेरिकल इन शेप। तो ऐसी सेल जो स्फेरिकल शेप में होती है तो वो होती है रेड ब्लड सेल यानी कि RBC। फोर्थ है, द वैक्यूल कंटेन, वैक्यूल के अंदर क्या होता है, तो वाटर। अब हम बात करते हैं हमारे आंसर क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, नेम द साइंटिस्ट हु इन्वेंटेड द फर्स्ट माइक्रोस्कोप। साइंटिस्ट का नाम बताना जिसने माइक्रोस्कोप को सबसे पहले डिस्कवर किया, तो वो थे एंटोनी वैन लुइनहॉक। सेकेंड है, हु कॉइन्ड द टर्म सेल, जो सेल टर्म है वो सबसे पहले किसने यूज करा, तो वो थे रॉबर्ट हुक। थर्ड क्वेश्चन है, ब्रीफली डिस्क्राइब द थ्री एसेंशियल बेसिक पार्ट ऑफ सेल। सेल के कौन से तीन बेसिक पार्ट है और उनको हमें एक्सप्लेन करना है। तो सेल के तीन इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सेल मेम्ब्रेन को, तो समझते हैं। इट इज अ वेरी थिन डेलिकेट एंड फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन विच सराउंड ईच सेल। जो सेल मेम्ब्रेन है काफ़ी ज़्यादा थिन होती है और फ्लेक्सिबल होती है और हमारी सेल के चारों तरफ वो रहती है। इट इज आल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जो सेल मेम्ब्रेन है उसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ फाइन पोर्स विच अलाउ ओनली सर्टेन मॉलिक्यूल टू पास थ्रू इट। इसके अंदर पोर्स होते हैं यानी छोटे छोटे होल्स होते हैं और ये कुछ चीज़ों को ही अंदर जाने देते हैं। एंड प्रोविड द अदर एंड देयर फोर ड्यू टू इट्स फंक्शन आल्सो कॉल्ड सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, और इसलिए इसी वजह से क्योंकि ये कुछ सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को ही अंदर जाने देती है इसलिए इसको बोला भी जाता है सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। अब हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। तो दिस इज द लिविंग पोर्शन ऑफ द सेल। साइटोप्लाज्म एक लिविंग पोर्शन है हमारी सेल का, और विच इज सेमी लिक्विड, जो आधा पार्ट लिक्विड और बाकी ड्राई है। ट्रांसलूसेंट एंड कलरलेस लिक्विड, और ये जो लिक्विड है ये ट्रांसलूसेंट और कलरलेस यानी कि इसमें कोई कलर नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट है। इन द पोर्शन ऑफ द सेल वेयर मेजर फंक्शन ऑफ द सेल आर कैरिड आउट थ्रू वेरियस फाइनर पार्ट्स ऑफ द सेल, द इनर फाइनल स्ट्रक्चर विच आर कंटेन्ड दिस इज कॉल्ड सेल ऑर्गेनल। और ये जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर भी कुछ छोटे पार्ट्स है, उसमें से एक पार्ट है सेल ऑर्गेनल, जो वेरियस एक्टिविटीज या वेरियस फंक्शन करने में हेल्पफुल होता है। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट सेल के, एक इम्पोर्टेंट पार्ट की जो कि है न्यूक्लियस। तो समझते हैं, द स्मॉल स्फेरिकल डार्क कलर बॉडी यूजुअली लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल। हमारी जो सेल है उसके सेंटर में एक स्फेरिकल डार्क कलर में जो प्रेजेंट रहता है वही होता है न्यूक्लियस। इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल, रेगुलेट एंड कोऑर्डिनेट वेरियस लाइफ प्रोसेस। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है सेल का क्योंकि ये रेगुलेट करता है अलग अलग लाइफ प्रोसेस को। इट मेजर रोल इज ड्यूरिंग सेल डिवीजन, और इसका सबसे इम्पोर्टेंट रोल है सेल डिवीजन यानी कि नए सेल को बनाना और डेड सेल को रिमूव करना। इट कंटेन हेरिडिटरी फैक्टर कॉल्ड जीन्स, इसके अंदर हेरिडिटरी फैक्टर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं जीन्स। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की जो कि है, द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। वाई, जो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको हम सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं।
तो जैसे हम अभी पढ़ के आए हैं, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसमें स्मॉल पोर्स होते हैं जो कुछ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स को ही इंटर करने देते हैं या उसके अंदर पास आउट होने देते हैं। क्योंकि ये क्या करता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं उनको वहीं पर स्टॉप करके रखते हैं और बाकी जो सर्टेन मॉलिक्यूल को ही इंटर करने देते हैं। इसी वजह से इसको सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में डिफरेंस हमें बताना है। तो पहला पॉइंट है, इट इज द सेल ऑर्गेनल। न्यूक्लियस जो है वो एक सेल ऑर्गेनल है, जबकि न्यूक्लियस जो है इट इज कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस का ही पार्ट है। सेकंड, इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सेल, ये सेल का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, जबकि न्यूक्लियस जो है वो एक न्यूक्लियस का इम्पोर्टेंट पार्ट है। थर्ड है, इट प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, ये प्रेजेंट रहता है सेल के साइटोप्लाज्म में। वही इट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म, और जबकि न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है। फोर्थ है, इट इज बाउंडेड बाय डेलिकेट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसको चारों तरफ से बाउंड करके रखती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जबकि न्यूक्लियस में इस तरह की कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं रहती है। अब हम डिफरेंस देखते हैं साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में, तो स्टार्ट करते हैं। द लिविंग पोर्शन ऑफ द सेल इनसाइड द सेल एक्सेप्ट द न्यूक्लियस, सेल के अंदर जो लिविंग पोर्शन है उसी को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। सेकंड, इट हैज मेनी फाइनल पार्ट्स कंटेन्ड इन इट लाइक गोल्गी बॉडीज माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेट्रा। अब जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर और भी चीज़ें होती हैं जैसे कि गोल्गी बॉडीज और माइटोकॉन्ड्रिया। अब प्रोटोप्लाज्म की बात कर लेते हैं, तो द लिविंग सब्सटेंस ऑफ सेल, जो सेल है उसका लिविंग सब्सटेंस जो है उसको बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है साइटोप्लाज्म, दूसरा होता है न्यूक्लियस। थर्ड जो है वो है सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में डिफरेंस देखते हैं, तो सेल वॉल इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, सेल वॉल जो होती है सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है। सेकेंड, इट गिव्स शेप एंड रिजिडिटी ऑफ द प्लांट सेल, सेल वॉल जो होती है वो शेप और रिजिडिटी देती है प्लांट सेल को। थर्ड, इट इज नॉन लिविंग स्ट्रक्चर, सेल वॉल जो है वो नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है। फोर्थ, इट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम द एंट्री ऑफ डिजीज कैजिंग एजेंट एज वेल एज द अंडरलाइंग प्रोटोप्लाज्म अगेंस्ट मैकेनिकल इंजुरीज, और सेल वॉल जो है वो प्रोटेक्ट करती है मैकेनिकल इंजरीज को, इंजरीज से और डिजीज से भी हमें। अब हम बात कर लेते हैं सेल मेम्ब्रेन की, तो इट इज़ वेरी थिन डेलिकेट एंड फ्लेक्सिबल, ये काफ़ी ज़्यादा थिन और फ्लेक्सिबल होती है। सेकंड, दिस अलाउ द एंट्री ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल ओनली वाइल होल्डिंग बैक द अदर, ये कुछ सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को ही इंटर करने देती है, बाकी को वहीं पर स्टॉप कर देती है, होल्ड कर देती है। इट इज लिविंग स्ट्रक्चर, ये एक लिविंग स्ट्रक्चर है। फोर्थ, इट हैज फाइन फोर्स इन इट, इसमें कुछ होल्स होते हैं जिसकी वजह से कुछ सब्सटेंस इंटर कर पाते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है, लिस्ट द मेजर डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स। प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में हमें कुछ डिफरेंस बताने हैं, तो सबसे पहले हम प्लांट सेल को समझते हैं और फिर समझेंगे एनिमल सेल को। प्लांट सेल, नंबर वन, सेल इज कंपैरेटिवली लॉन्गर विद डिस्टिंक्ट आउटलाइन, प्लांट सेल में जो सेल्स होती है काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी होती है। सेकेंड, इट हैज़ अ डेफिनेट एंड रिजिड सेल वॉल, प्लांट सेल के अंदर एक डेफिनेट पोर्शन में सेल वॉल प्रेजेंट रहती है। थर्ड, हैज नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, इसके अंदर साइटोप्लाज्म का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा कम होता है। फोर्थ, साइटोप्लाज्म इज नॉट वेल डेंस, और साइटोप्लाज्म जहाँ पे रहता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा कम मात्रा में रहता है। फिफ्थ है, कंटेन प्लास्टिड, इसके अंदर पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट और एमेलोप्लास्ट। सिक्स्थ है, नो सेंट्रोसोम, इसके अंदर कोई सेंटर पॉइंट नहीं होता है। सेवन्थ, हैव प्रोमिनेंट वन और मोर वैक्यूल्स, इसमें एक या एक से ज़्यादा वैक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं और उन वैक्यूल्स में वाटर रहता है। नेक्स्ट है, हैज सिंपल गोल्गी एपरेटस कंपोज्ड ऑफ यूनिट कॉल्ड डाइक्टोसोम्स, इनके अंदर गोल्गी एपरेटस होते हैं और उसके अंदर छोटे छोटे यूनिट्स में डाइक्टोसोम्स भी प्रेजेंट रहते हैं जो प्लांट की ग्रोथ पे हेल्प करते हैं। अब हम बात करते हैं एनिमल सेल की, तो साइज इज स्मॉल विथ लेस डिस्टिंक्ट आउटलाइन, एनिमल सेल का साइज काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है और आउटलाइंस भी अलग अलग होती है। सेकेंड,
सेल वॉल अब्सेंट, एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं रहती है। थर्ड, साइटोप्लाज्म फिल ऑलमोस्ट द एंटायर सेल, जितनी भी सेल होती है उनमें साइटोप्लाज्म भरा हुआ होता है। फोर्थ है, साइटोप्लाज्म इज ग्रेनुलर एंड रिलेटिवली डेंस, साइटोप्लाज्म का मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। फिफ्थ है, डू नॉट कंटेन प्लास्टिड, इनमें किसी तरह का पिगमेंट प्रेजेंट नहीं रहता है। सेंट्रोसोम आर प्रेजेंट, जो एनिमल सेल है उनमें सेंट्रोसोम यानी कि न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। सेवन, हैव टेम्पररी वैक्यूल्स विच आर स्मॉल एंड कंसर्न विद सेक्रेशन और एक्सक्रीशन, जो एनिमल सेल है उनके अंदर भी टेम्पररी वैक्यूल्स होते हैं जो सेक्रेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है, कॉम्प्लेक्स एंड प्रोमिनेंट गोल्गी एपरेटस, एनिमल सेल के अंदर गोल्गी एपरेटस प्रेजेंट रहता है लेकिन उसका स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रहता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन सेवन की, ब्रीफली डिस्कस द इम्पोर्टेंट ऑफ क्रोमोजोम टू एन ऑर्गेनिज्म, इम्पोर्टेंस ऑफ क्रोमोजोम को हमें डिफाइन करना है एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो समझते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ लिविंग सेल इज दैट इट कैन डिवाइड और रिप्रोड्यूस ऑफ इट्स ओन काइंड एंड दिस फंक्शन इज रेगुलेटेड बाय द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है लिविंग सेल का वो है कि ये डिवाइड हो सकती है और रिप्रोड्यूस होकर इसी शेप की या इसी टाइप की और सेल्स को मैन्युफैक्चर कर देती है और इसको रेगुलेट करता है वहाँ उसका न्यूक्लियस, सेल का न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस इन इट्स न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन अ नेटवर्क ऑफ डार्क स्टेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमेटिन फाइबर। अब जो न्यूक्लियस होता है वो एक नेटवर्क रखता है या वहाँ पे एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रखता है जिसको बोला जाता है क्रोमेटिन फाइबर। दिस फाइबर ड्यूरिंग सेल डिवीजन बिकम थिक एंड रिबन लाइक विच आर देन कॉल्ड क्रोमोसोम। जब ये फाइबर जब सेल डिवीजन होता है तो एक रिबन का शेप ले लेता है और इसको फिर बोला जाता है क्रोमोसोम। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है तो इसको बोला जाता है क्रोमेटिन फाइबर, और जब एक रिबन के जैसा स्ट्रक्चर थिक रिबन के फॉर्म में आ जाता है तो उसको बोला जाता है क्रोमोसोम। दिस क्रोमोसोम आर द एक्चुअल हेरिडिटी फैक्टर, और यही जो क्रोमोसोम है यही एक मेन फैक्टर है हेरिडिटी के। दिस आर यूनिक फॉर ईच स्पेसिफीज बोथ इन नंबर एंड इन कैरेक्टर, हर एक स्पेसिफीज के ये जो फैक्टर है या क्रोमोसोम है ये अलग अलग हैं और नंबर्स भी इनके अलग हैं। ह्यूमन बॉडी हैज 46 क्रोमोसोम विच ऑकर्स इन पेयर्स, ह्यूमन बॉडी में 46 क्रोमोसोम होते हैं जो एक पेयर में रहते हैं। दे आर फर्दर कैरेक्टराइज, अब जो क्रोमोसोम है उनको डबल से कैरेक्टराइज किया गया है, जैसे कि क्रोमोसोम स्पेसिफिक फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द स्पेसीज कॉल्ड द सेक्स क्रोमोसोम, ऐसे क्रोमोसोम जो डिटरमाइन कर देते हैं कि कौन सा स्पेसीज है वो, तो उसको बोलते हैं हम सेक्स क्रोमोसोम। अदर क्रोमोसोम आर कॉल्ड ऑटोसोम, और जो बाकी के दूसरे क्रोमोसोम होते हैं 46 में से कुछ क्रोमोसोम जो होते हैं उनको बोला जाता है ऑटोसोम। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स, तो देखते हैं। द ब्लैंक इज द स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स, कौन सा स्ट्रक्चर यूनिट है लिविंग थिंग की, तो सेल है। ऑल सेल अराइज फ्रॉम, हर एक सेल कहाँ से आती है, प्री एग्जाइटिंग सेल यानी कि जो पहले से सेल प्रेजेंट है उससे ही बनती है। थर्ड है, एनिमल सेल हैव नो सेल वॉल, एनिमल सेल के अंदर कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं रहती है, जबकि प्लांट सेल के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं रहता है। फोर्थ, प्लास्टिड कंटेंट, प्लास्टिड में पिगमेंट्स होता है क्लोरोप्लास्ट और एमोलोप्लास्ट। फिफ्थ, वैक्यूल्स आर फिल्ड विद वाटर एंड डिसॉल्व सब्सटेंस, जो वैक्यूल्स होते हैं उनके अंदर पानी भरा हुआ होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें एक टेबल दी गई है जहाँ पे हमें फोर सेल ऑर्गेनल को लिखना है, मतलब उनमें से सर्च करना है फोर सेल ऑर्गेनल को और उनको एक सर्कल के अंदर बंद करना है, तो समझते हैं कहाँ कहाँ पर है। सबसे पहला जो हो जाएगा वो हो जाएगा वैक्यूल, तो वैक्यूल है हमारा सबसे ऊपर और वो लेफ्ट टू राइट है यहाँ पर, ये जो है वो क्या हो जाएगा हमारा वैक्यूल हो जाएगा, ये हो जाएगा ल्यूकोप्लास्ट, ये में हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट, यहाँ पे प्लास्टिड, और ये हो जाएगा न्यूक्लियस। तो ये हो गए हमारे सेल ऑर्गेनल्स। अब हम बात करते हैं कुछ एडिशनल क्वेश्चन आंसर की, तो सबसे पहले इसमें फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, तो समझते हैं। ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल, सिंगल सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। सेकेंड, मसल सेल आर एलोंगेटेड एंड कॉन्ट्रैक्टाइल, जो मसल सेल है वो क्या होती है, एक दूसरे से अटैच होती है और वो वर्क भी साथ साथ करते हैं। थर्ड,
द जेली लाइक फ्लड दैट सराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड जेली लाइक फ्लड जो होता है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट है सिलेक्टिवली परमेबल, क्या कौन सी है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। फिफ्थ है द न्यूक्लियोप्लास्ट कंटेन अ नेटवर्क ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमेटिन नेटवर्क, जो न्यूक्लियोप्लास्ट होता है उसी में ही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसी को हम बोलते हैं क्रोमेटिन। और वापस इसका डिवीजन होता है ज़िबिन और थिक रिबन की फॉर्म में, तो वो हो जाता है क्रोमोसोम। सिक्स्थ है गोल्गी बॉडीज आर आल्सो कॉल्ड, तो गोल्गी बॉडीज को कहा जाता है डाइटोसोम। सेवन्थ है अ प्लांट सेल गेट शेप एंड सपोर्ट फ्रॉम इट्स सेल वॉल, जो प्लांट सेल होती है उसको शेप और सपोर्ट प्रोवाइड करती है उसकी सेल वॉल। एट है इन अ प्लांट सेल फूड इज मैन्युफैक्चर्ड इन, तो प्लांट सेल में फूड बनता है क्लोरोप्लास्ट में। नाइन्थ है क्रोमोप्लास्ट गिव कलर टू फ्लावर एंड फ्रूट्स, जो पेड़ पौधों में हमारे फूल होते हैं और जो फ्रूट्स होते हैं उनमें कलर आता है क्रोमोप्लास्ट की वजह से। नेक्स्ट है फ्लूइड फिल्ड सेल ऑर्गेनल डेट आर यूजुअली लार्जर इन अ प्लांट सेल देन इन एनिमल सेल आर कॉल्ड वैक्यूल्स, जो फ्लूइड सेल ऑर्गेनल होते थे उनमें लार्जर फ्लूइड फिल्ड सेल ऑर्गेनल डेट आर यूजुअली लार्जर इन प्लांट सेल देन इन एनिमल सेल आर कॉल्ड वैक्यूल सेल। तो फ्लूइड जो सेल ऑर्गेनल के अंदर फ्लूइड्स भरा होता है और कहाँ पे भरा होता है तो उस पार्ट को हम बोलते हैं वैक्यूल, यानी कि वाटर अंदर फिल होता है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे हमें कॉलम एक और कॉलम बी से मैच करना है, तो करते हैं मैच, देखते हैं क्या है आंसर है हमारे कॉलम बी में और कॉलम ए में क्वेश्चन। सबसे पहला है ल्यूकोप्लास्ट, तो ल्यूकोप्लास्ट यहाँ स्टोर रहता है स्टार्च और प्रोटीन। न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस है कंट्रोलिंग ऑल द वाइटल एक्टिविटीज ऑफ द सेल, सेल की जितनी भी एक्टिविटीज है उनको कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। नेक्स्ट है राइबोसोम, तो राइबोसोम जो है वो प्रोटीन बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी को रिलीज करता है, इसी को पावर हाउस भी कहते हैं। नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना। गोल्गी बॉडीज, तो गोल्गी बॉडीज का काम है सेल वॉल सिंथेसाइज करना प्लांट के अंदर। नेक्स्ट क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट का काम है फूड बनाना। सेंट्रोसोम का काम है सेल डिवीजन करना। वैक्यूल्स क्या करता है, वाटर्स को एब्जेक्टता है और सेल को टारगेट करता है। लाइसोसोम, तो ये है डाइजेस्टिंग फॉरेन बॉडीज, ये जो जर्म्स एंजाइम्स और इंसेक्ट वगैरह हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं कुछ कीड़े मकोड़े और वहाँ पर स्टोर हो जाते हैं, इसी को इसको हम बोलते हैं सुसाइडल बैग भी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स, यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन दिए उनका ट्रू और या फॉल्स में उनके आंसर बताने। तो पहला है द साइज ऑफ सेल इज यूजुअली मेजर्ड इन सेंटीमीटर, जो सेल का साइज है क्या उसको हम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, तो बिल्कुल गलत, उसको हम एमएम में मेजर करते हैं माइक्रोमीटर। नेक्स्ट है द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड अ कलरलेस डेंस फ्लूइड कॉल्ड न्यूक्लियोप्लास्ट, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसमें कलरलेस सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है जिसको हम न्यूक्लियोप्लास्ट बोलते हैं, तो यस ये ट्रू हो जाएगा। थर्ड है एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन द क्रोमेटिन नेटवर्क चेंज इनटू स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड जीन्स, जब सेल डिवीजन होता है तो क्रोमेटिन नेटवर्क चेंज हो जाता है स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में, तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में तो कन्वर्ट हो जाता है लेकिन उसको जीन्स नहीं, उसको हम क्रोमोसोम बोलते हैं, तो ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है राइबोसोम आर द साइट्स ऑफ रेस्पिरेशन, राइबोसोम क्या रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, तो नहीं, वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। नेक्स्ट है अ माइटोकॉन्ड्रिया इज बाउंड बाय टू मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया क्या दो मेम्ब्रेन से कवर्ड है, हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट है गोल्गी बॉडीज फ्रॉम अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स व्हिच रन थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, गोल्गी बॉडीज का नेटवर्क काफी ज्यादा फैला हुआ है और वो साइटोप्लाज्म में रन करती है, तो बिल्कुल ये सही हो जाएगा हमारा। एवरी सेल इज बाउंड बाय अ सेल वॉल, हर एक सेल क्या सेल वॉल से बाउंड है, बिल्कुल गलत, क्योंकि प्लांट के अंदर ही प्रेजेंट रहता है, बाकी और ह्यूमन बींग्स या जो एनिमल सेल है उसके अंदर प्रेजेंट नहीं रहता। एट है क्रोमोप्लास्ट आर द किचन ऑफ द सेल, क्रोमोप्लास्ट के किचन ऑफ द सेल है, नहीं, अब आगे देखते हैं, क्रोमोप्लास्ट नहीं वो है क्लोरोप्लास्ट, जहाँ पे प्लांट जो है वो फूड बनाते हैं। नेक्स्ट है वैक्यूल्स आर फिल्ड विथ अ फ्लूइड कॉल्ड न्यूक्लियोप्लास्ट, जो वैक्यूल्स होते हैं उनके अंदर फ्लूइड भरा होता है उसको न्यूक्लियोप्लास्ट कहते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, उसके अंदर वाटर फिल्ड होता है। नेक्स्ट है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर बेस्ड ऑन सेल डिवीजन,
जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है क्या वो सेल डिवीजन पर डिपेंड है, तो हाँ बिल्कुल ये सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, तो समझते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें, व्हाई इज अ सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो सेल है वो एक स्ट्रक्चर यूनिट क्यों कहलाती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो समझते हैं। अ सेल इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लिविंग या लाइफ बिकॉज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज शेप एंड कॉम्प्लेक्सिटी आर मेड अप ऑफ सेल एंड फंक्शन परफॉर्म By organism is the result of the activities of the cell in its body. जो सेल है वो स्ट्रक्चर यूनिट है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी, क्योंकि वो उनको साइज शेप और कम्प्लेक्सिटी प्रोवाइड करती है, और ये सेल ही अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती है जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ होती है। नेक्स्ट है, Why the cell membrane called selectively permeable membrane? इसको हम देख ही लिख चुके हैं पहले, क्योंकि ये selected material को अंदर इंटर करने देती है, इसलिए इसको बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन या फिर सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, वेयर आर द जीन्स लोकेटेड इन द सेल। तो हमारी सेल में जीन्स कहाँ लोकेटेड होते हैं, तो वो होते क्रोमोसोम यानी कि न्यूक्लियस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहा जाता है, तो देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट्स ऑफ रेस्पिरेशन इन सेल। माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्म्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, वही एनर्जी स्टोर करता है, और एनर्जी को स्टोर करता है वो एटीपी की फॉर्म में। देयरफॉर दे आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। नेक्स्ट है, डिफाइन सेल डिवीजन। सेल डिवीजन को डिफाइन करना है, तो नंबर वन, सेल डिवीजन इज अ प्रोसेस बाय विच अ सेल डिवाइड फॉर्मिंग टू न्यू सेल। सेल डिवीजन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सेल डिवाइड होती है और दो नए सेल को बनाती है। सेकंड, इट इज द बेसिस ऑफ ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये ग्रोथ में हेल्प करता है और रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स, समझते हैं। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ग्रोथ एंड सेल डिवीजन। ग्रोथ और सेल डिवीजन में क्या रिलेशनशिप, उसको हम समझते हैं। तो द लाइफ ऑफ ऑल मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बिगिन विद सिंगल सेल। जो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है उनकी जो लाइफ स्टार्ट होती है वो एक सिंगल सेल से स्टार्ट होती है। दिस सेल डिवाइड एंड री डिवाइड देयर बाय फॉर्मिंग अ क्लस्टर ऑफ मेनी सेल। सो सेल डिवीजन इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ, और ये सेल डिवाइड कंटिन्यूसली होती रहती है, यानी कि ये सेल होती है इसमें मैनी क्लस्टर प्रेजेंट रहते हैं। जो डिवीजन होता है बार बार, उसकी वजह से नए सेल बनते हैं और मैन्युफैक्चर्ड डेड सेल बनते हैं पर्टिकुलर टाइम में, और पर्टिकुलर टाइम में ही बहुत सारे सेल्स मैन्युफैक्चर हो जाती है जो हमारी ग्रोथ में हेल्पफुल होते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर वन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why was the invention of the microscope so important to the study of living beings? Microscope का invention काफ़ी ज़्यादा important हुआ living beings की study करने के लिए, ऐसा क्यों, तो समझते हैं। All living organism unicellular और multicellular are made up of cell। जितने भी हमारे living organism हैं, चाहे वो unicellular हो चाहे वो multicellular हो, वो सब cell से ही मिलकर बने हुए हैं। माइक्रोस्कोप मेक्स इट पॉसिबल टू सी इनसाइड द सेल दैट मेक अप ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। और माइक्रोस्कोप के हेल्प से हमें पता चला कि सेल के अंदर क्या ऐसी चीज प्रेजेंट है जिसकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं। विदाउट माइक्रोस्कोप वी कुड नॉट सी और अंडरस्टैंड हाउ लाइफ वर्क। बिना माइक्रोस्कोप के हम स्टडी नहीं कर पाते कि सेल क्या है, या सेल किस तरह से ग्रो होते हैं या डिस्ट्रॉय होते हैं, और किस तरह से एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। सो द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप मेंट इट इज पॉसिबल टू सी द बेसिक कंपोनेंट ऑफ लाइफ। जब माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी हुई तभी हम उसका बेसिक कंपोनेंट जो है लिविंग बींग्स का वो हम देख पाए, जो बेसिक कंपोनेंट ऑफ लाइफ को समझ पाए। नेक्स्ट है, व्हाट इज सेल थ्योरी। नेम द थ्री साइंटिस्ट हूज वर्क लेड टू द फंक्शन ऑफ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या है, वो तीन साइंटिस्ट कौन से थे, उनके नाम हमें बताने हैं। तो सेल थ्योरी वाज गिवन बाय स्वीडन एंड स्वान इन द ईयर 1838 एंड 39।
सेल थ्योरी को सबसे पहले दिया था स्वीडन और स्वान ने 1838 और 39 में। इट वॉज फर्दर रिफाइंड बाय रुडोल्फ बर्चो, इसको वापस क्लासिफाई किया रुडोल्फ बर्चो ने, और उनके मेन पोस्टुलेट जो थे सेल थ्योरी के वो ये थे। नंबर वन, ऑल लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल, जितने भी लिविंग बींग्स है वो एक या एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने हैं। सेकेंड, सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स, जो सेल है वो एक बेसिक और एक स्ट्रक्ट फंक्शनल यूनिट है लिविंग बींग्स की। थर्ड है, ऑल सेल्स आर बेसिकली अलाइक इन केमिकल कंपोजिशन मेटाबॉलिक प्रोसेस, सारी की सारी जो सेल्स है वो एक दूसरे से सिमिलर या कुछ डिफरेंट शेप में भी है और उनकी केमिकल कंपोजिशन एक है, यानी कि सभी में न्यूक्लियस है, सभी में सेमी पर्मेबल मेम्ब्रेन है यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सबकी मेटाबॉलिक प्रोसेस भी सेम ही है। न्यू सेल अराइज बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल, और फिर बाद में रुडोल्फ बर्चो ने बताया कि जो नए सेल्स है वो बनते हैं जो पहले से सेल्स बनी हों उनके डिवीजन के से। तो दोस्तों ये था हमारा एक इम्पोर्टेंट चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इस चैप्टर में हमने देखा कि सेल के क्या क्या कैसा स्ट्रक्चर होता है और इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल एजुकेशनल कॉर्पोरेशन।